ये एक्चुअली ये इग्लू है, जो बर्फ का इग्लू बनता है, इधर इग्लू है। इबस सभा का सब ओ मीशा नियत लू भी देते हे मीशा। चलो ये जो देखो ये पूरा आइस का ही है। चलो इधर से एक फोटो को पोज देते हैं, कैसे लग रहा है। चलो एक पोज देते हैं, पोज ऐसे। मोदी जी भी आ गए हम लोगों के साथ। चलो मोदी जी की भी दिखाते हैं सबको। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं सब दोस्तों? आई होप सब कुछ खैरियत ठीक ठाक। तो आज हम लोग जाने वाले हैं एक नया प्लेस, थोड़ा पहाड़ जैसा है लेकिन ऐसे एक पहाड़ के ऊपर पूरा बस आ गया। चलो बस में मिलते हैं, बस का। खासियत क्या है जगह तमीज़ उस जगह पे है, पहाड़ जैसा है और पहाड़ के ऊपर ऐसे सीन है, पहाड़ के ऊपर थोड़ा आइस स्लाइडिंग करके गिर रहा है, दिखने में बहुत मस्त लग रहा है। इसलिए हम जा रहे हैं। इधर से टाइम लगेगा शायद बस में 30 मिनट लगेगा और ट्रेन में 40 मिनट। तो आज का संडे का ट्रिप यही है। सो चलो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहते हो और देखते थे। चलो क्या हमको भी पता नहीं क्या है लेकिन ऐसे कुछ देखा मैप पे। चलो देखते हैं। चलो हम लोग चलते हैं। पास से उतर गया। अभी एक बहुत बड़ा ब्रिज है जो नदी का अंदर जाता है, वो वाला ब्रिज वो तुमको दिखाता हूँ। ये जो ब्रिज है ना, अगर समर का टाइम पे ये पूरा नदी है, ऐसे इतना ऊंचा है। देखो कितना ऊंचा है, इधर से ऊंचा है। अच्छा पार्क है, पूरा नीचे पूरा सीढ़ी बना दिया इसे आयरन का। कितना अच्छा लगा है ना, और सुबह सुबह पाखी का गुंजन अच्छा लग रहा है। तो हम लोग आ चुके हैं प्लेटफॉर्म। और प्लेटफॉर्म हालात देखिए, ऐसा नहीं फील नहीं होगा जो तुम रशिया का प्लेटफॉर्म देखकर पता नहीं चलेगा जो राष्ट्रीय का प्लेटफॉर्म, लेकिन ये एक लोकल प्लेटफॉर्म है। तो ऐसा कोई नहीं है, वेटिंग रूम भी नहीं है, नॉर्मल जो तो तुमको जो लोकल एरिया का जो लोकल प्लेटफॉर्म कैसा है तुमको वो दिखाता है। ये हो गया लोकल स्टेशन, लोकल प्लेटफॉर्म, लोकल ट्रेन के लिए। ऐसे एक्सप्रेस नहीं जा रुकते इधर थोड़ा। लेकिन ये जो व्यू है ना, व्यू बहुत मस्त है। हम लोग उधर से आए इतना ऊँचा से, पूरा आयरन का ब्रिज बहुत अच्छा लगा। ये ब्रिज आके बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो सीन है। तो चलो ट्रेन के अंदर जाते हैं। आज हम लोग का सफर ही, इन लोग भी है और भी दो तीन है आ रहे हैं। ये होता है राशिया का बिना छत का स्टेशन। एक्चुअली छत ये इसलिए नहीं है क्योंकि स्नोफॉल गिरता है ना, तो जब स्नोफॉल गिरने का टाइम वो इंसान को ऐसे रहने के लिए प्रॉब्लम हो जाता है। सो देखो स्टेशन, देखो कितना बहुत खराब हालात है स्टेशन का। क्या बोलना चाहते हो? फेक कंटेंट? क्यों? दिस इज फेक कंटेंट। क्यों? आई विल रेक्टिफाई इन द कमेंट्स। नो बट व्हाई, टेल मी व्हाई। व्हाई व्हाई इसलिए नहीं है। हु आर यू? यू आर नॉट द गवर्नमेंट ऑफ फर्म। आई नो आई एम नॉट गवर्नमेंट बट जस्ट आई विल डिसाइड व्हेन दे विल हैव मनी देंगे दे विल। ऐसे नहीं, ऐसे इंक्लाइंड छत तो हो सकता है ना। नहीं हो सकता ऐसा इनका है। उधर वो जब ट्रेन आएगा तब आ जाए ना बाहर, क्या जरूरत है। तो अभी हम लोग आ गए लोकल ट्रेन के अंदर, दर्शक साथ है सुषमा। हाय बोलो, हाय बोलो पहले ना बोलने मत। आकाश भैया, ये है मसूद। मसूद कुछ भी सुमन, बायजीद, तारिक, सरफराज, सायम। बाहर का
का जो दृश्य साइट है भी हिंदी में होता है। हाँ हमको कहाँ गए सिर्फ पूरा प्रोजन हो गया और रिवर हमारी बारी क्या उन लोग मछली पकड़ रहे हैं कामा कामा उन लोग मछली पकड़ रहे हैं। हम लोग उधर मछली पकड़ने के लिए उधर तो थे ना वो डैम वाला भाई पूरा नाव ऐसे पानी में आ गया। पानी तो नहीं है हम लोग आ गए हैं अभी देखो किधर आ गया जा रहा है इस क्रश में शूट का जो तुम लोग को दिखाने वाले हैं। हम लोग आकाश भाई चलिए आ जाओ हम लोग ग्रुप सिर्फ हाय बोल दो एक बार हाय भाई आज का स्पीकर नहीं लाया सही है इतना आगे चलो जल्दी चलो इधर थोड़ा कुछ इन्फॉर्मेशन है देख सकते हो और उधर एक गांव है जा रहे बहुत सारे इंडियन। हाँ हम लोग पता नहीं अचानक से मिल गया इन लोग ये जो है ना पहाड़ का इस पहाड़ का सामने से ये जो जो देखना इधर से फोटो खींच के भाग जाएंगे अंदर से फोटो खींच के भाग जाएंगे 200 रुपए बचा के भाग ओ भाई वो तो अंदर गया बिना टिकट का बिना टिकट के अंदर चलो आगे एवरीवन अभी सब लोग बच्चे लोग क्या कर रहे हैं अभी फोटो खींच रहे हैं क्योंकि इतना सुंदर जो मोनूमेंट है ना वो हमको पहली बार देखने मिला इधर। लेकिन ये जो मोनूमेंट है ऐसा लग रहा है आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया आर्टिफिशियली क्रिएट किया फाउंटेन हाँ तो लेकिन बहुत सही है बहुत सही लग रहा है। तो तुम देखते रहे ना बच्चे लोग तो फोटो ऐसे खींचते जा रहे हैं देखो कितना सब पोज ही खत्म नहीं हो रहा उन लोगों का देखो पोज ऐसे मोदी जी भी आ गए हम लोगों के साथ चलो मोदी जी की भी दिखाते हैं सबको भी मोदी जी पोज दे रहा है मूड में साइम फोटो खींच रहे हैं अभी चलो पूरा जो इसको पूरा कवर करते देख दिखाते हैं आपको इधर जो जो फाउंटेन है चलो आ जाओ मेरे साथ आएगा सुषमा हाँ हाँ और भी है बहुत सारे है साथ है सुषमा तो सुषमा डिस्क्राइब करिए काफी जेन्युइन फील कर रहा हूँ क्योंकि गिर चुका जैसे चल रहा हूँ ऐसे एक बार गिर चुका है मेरे शूज में कोई ग्रिप नहीं है इस दिन ही थे सॉरी फॉर दैट बट आई विल ट्राई टू मेक अप ओके ओके सो चलो दिखाता है जो बैक कैमरा करके इधर का जो फाउंडेशन है इसका ऐसे नहीं बहुत ब्यूटीफुल जगह है खाली आंखों में नहीं दिख सकता सन का लाइट है ना इधर देखो जो फाउंटेन है इसका कितना अच्छा लग रहा है ना बीच में वुडन और कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर वो सेटल कर सके आइस स्ट्रक्चर हाँ हाँ। प्रोवाइड करने के लिए ये देखो और ऊपर से फाउंटेन से वो स्प्रिंकल करके फिर वो माइनस टेम्परेचर की वजह से मेल्ट होता रहता है विद प्रेशर पहले आइस उसको मेल्ट करके स्प्रिंकल करके देन ये बन जाते हैं लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। एक शॉट वहां पे दिखाएंगे आपको फाउंटेन है तो वहां से ये देखो क्रिएट कर रहा है वो भी दिखा सकते हैं इस लग रहा है क्रोकोडाइल का मुंह है ना कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर बीच में देखो वुड ऐसे जो स्काई में हम देखते हैं ना इसका जो मेघ जैसा होता है ना स्काई इसका में जो क्लाउड जो होता है ना हां मेघ भी होता है हिंदी में हां सही है मेरा हिंदी बहुत सही है ट्रैवल ना कोई समझ नहीं आएगा
करेक्ट भाई, ये पिरामिड है क्या? ओ माय गॉड, कितना सुंदर व्यू है भाई, ये दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। देखो आइस स्तूप, आइस के स्तूप किए ह्यूमन ने। इग्लू, 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 इग्लू है क्या? इग्लू तो आइस का हाउस है ना। डॉग के देखो कितना खेल रहा है बर्फ के साथ। इन लोगों का ठंडा भी नहीं लग रहा है, बिना पैंट पहन के आ गया नंगा बंगा। ए चुटकू रिशुदा, प्रिवेत 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 प्रिवेत, कैक दिला कैक दिला कैक दिला, नॉर्मल ना कैक बस सवा का जबू। मीशा मीशा इधर शुदा मीशा इन दिस की मिया मीशा मीशा इधर शुदा मीशा नाउ हैप्पी मीशा मीशा मीशा। कितना बड़ा डॉग है, इतना बोल से सब का खस की इतना का बस सब का सब। ओ मीशा नियत लुबी देते हे मीशा। चलो आगे चलो, आगे चलते तुमको दिखाते हैं। नीचे से सिंपल है ना रास्ता, कोई है फोटो खींच रहे। देखो एसआर के फैंस, एसआर के फैन नहीं, खुद एसआर के है क्या? हाँ। उसके इतने सालों की कैमरामैन दो, कैमरामैन थक चुका है, ऑलरेडी थक चुका है, और 1000 हो गया फोटो दो जगह में। पोज के अंदर कॉन्फिडेंस है। चलो आ जाओ सही से, इधर से आते हैं। और भी एक, इधर भी एक फाउंटेन है, इतना अच्छा लग रहा है दिखने में। इधर जाके रील शूट करेंगे, कोई भी एक रील शूट करेंगे ऐसे स्लो मोशन पे, अच्छा लगेगा। ये सनग्लास साहब हमको कैसे लग रहा है? ऐसे तो हैंडसम तो नहीं हूँ लेकिन कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सही लग रहा है क्या? चलो इधर का जो सेक्शन में आप बता सकते हैं क्या वांट्स द रेटिंग, इज ही हैंडसम और नॉट? ऑब्वियसली क्या इधर का जो सीन है तुमको दिखाता हूँ। इसके बदले में सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ये पूरा आर्टिफिशियल ही बना है, लेकिन पूरा आइस का ही आर्टिफिशियल, बहुत सही बना है भाई, बहुत सही। रोल इसमें नेचर का ही है वैसे भी। हाँ, कितना सही लग रहा है। देखो इसके अंदर जाके हम ये बनाएंगे। और भी इंडियन है उधर जो लोग फोटो खींच रहा है, माइनस में ऐसे जैकेट वैकेट खुल कर टी शर्ट में कैसे फोटो खींच सकते हैं, वो भी हैरानी का बात है। चलो इधर भी हम लोग फोटो खींचते हैं। पहली बार जो देखते हैं ना उधर, जब फोटो सीन फोटो शूट किया उसका, मैं इधर से देखता हूँ पूरा एक नजर कैसे लग रहा है। लेकिन फिर भी इधर बैरियर है ना, वो मना है, लेकिन हम लोग जा रहे हैं आप लोगों के लिए। रूल्स ब्रेक, सम रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन, I guess created to look. भाई कितना डेंजरस है, इधर जाके लग रहा है गिर के गिर रहा है, ऐसे फला फला लग रहा है ना दरवाजा। शार्प ये जो देखा था पूरा आइस का ही है। चलो इधर से एक फोटो को पोज देते हैं, कैसे लग रहा है देखते हैं। चलो एक पोज देते हैं, वीडियो बंद करो, अभी पोज देंगे। बंद करो वीडियो, बंद करना, ले लो। मैंने फ्री फूड दे सकता हूँ, हमको पता नहीं, लेकिन ये जो देखा ना, ये तो पूरा क्रिस्टल आइस का, देखो वो तुमको दिखा रहा है। लेकिन और भी जो पूरा पार्क में दिखा रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ, कोशिश तो कर रहा हूँ तुमको बहुत कुछ दिखाना, लेकिन इधर से देखो इतना से कितना अच्छा लगा है। वो जो आइस का है ना फाउंडेशन, जो आर्टिफिशियल दिखा रहा हूँ। ओ कॉपीराइट कर दिया गया है, गाने नहीं गाना चाहिए।
आपको हम फिनोमिना दिखा सकते हो जिस तरीके से क्रिएट करते हैं। उधर देखिए वो जो है स्प्रिंकलर जैसा, उसका पास ही चलते हैं। देख के ये जो फाउंटेन है ना, जो कैसे तैयारी करता है, उधर चलो इधर देखते हैं। शायद ये पार्क हाँ। संडे की वजह से वॉकिंग है, पर ना आपको झूले वगैरह भी आप आके झूल सकते हैं। ये देखो आते होंगे रशियन लोग, ये देखो इतना ऊपर से आइस आइस आते गिरते गिरते ऐसा ही बनता फाउंटेन। अबे भाई फाउंटेन था तो पानी से, हाँ हाँ अंदर तो स्लोली चल रहा है, देखो इधर पानी, हाँ 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 ऐसे ही बांधते है। इधर पर एक है इग्लू जैसा, पूरा आइस का ही बना है, देखो। एक्चुअली ये इग्लू है, जो बर्फ का इग्लू बनता है, इधर इग्लू है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है दिखने में तो ज़्यादातर एक लाइक कर दो, ज़्यादातर नहीं एक लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो और भी कुछ है तो इस गांव का मैं दिखाता हूँ। आसपास एक दुकान है, चलो उस दुकान के अंदर तुमको लेकर जाते हैं। दुकान के सामान देखो इधर क्या क्या प्राइस है। एक छोटा मोटा एक शॉप है लेकिन बहुत बड़ा है, बहुत कुछ मिलता है, सब कुछ है इधर। इतना गांव के अंदर भी, इतना गांव का नहीं है इसका, शायद इस चीज़ के लिए इस दुकान इतना बड़ा है, बिकते इतना सारे कुछ है। देखो 95 जूस भी है। ए सुमन खाली, इधर भी देखो कोल्ड ड्रिंक्स, यह सब विस्की विस्की क्या है, तो अल्कोहल है, कोई बात नहीं। चलो रास्ते से दस विदानी है। आसपास एक कब्रिस्तान है, तुमको कब्रिस्तान दिखाता हूँ, जो विंटर कब्रिस्तान कैसा लगता है, सब भूत जैसा लगा, वाइट भूत। तो तुमको कब्रिस्तान अंधविश्वास का क्या है, वाइट भूत नहीं है लेकिन ऐसे ही दिमाग पे सिनेमा जो दिखाता है ना, ऐसे ही होता है ना सिनेमा के थ्रू। यूरोपियन सफेद साड़ी में मोमबत्ती, तो भूत ऐसे होता है, असल में तो भूत कोई नहीं देखा। ये कब्रिस्तान है क्रिश्चियन का। संडे बहुत अच्छा गया, मेमोरेबल हम लोग अच्छे सारा लाइफ का टाइम मेमोरेबल हो गया आज का दिन, अच्छे से हम लोग एंजॉय किए। पार्क का क्या नाम था, देखो पार्क का नाम क्रिश्चियन सूप का। गाड़ी भी आ रहा है, हम लोगों को साइड राइट साइड में हट जाना चाहिए। देखो कौन कौन है गाइस, सब हाई कर दो, सब हाई कर दो जोर से हाय। अरे एक बार बोल दो प्लीज सब्सक्राइब रशियन डायरी, प्लीज रशियन डायरी सब्सक्राइब नहीं बोलना लाइक स्लाइस गाइस, लाइक स्लाइस, लाइक स्लाइस। चलो कोई बात नहीं, लाइक शेयर कमेंट एंड शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू रशियन डायरी प्लीज प्लीज, स्टे ट्यून्ड फॉर फ्यूचर अपलोड। यस लाइक शेयर योर लव, दिस इज दानियल। ऐसे ही न्यू न्यू वीडियो बनाने के लिए मेरा चैनल लाइक और लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। मेरा ब्लॉग लेट आएगा क्योंकि हर वक्त टाइम नहीं मिलता है ब्लॉग बनाने के लिए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा नया नया कुछ अपडेट। हमारी कोशिश यही है कि जो नेचुरल मेड है, जो प्रकृति की जो बनी हुई चीज़ें हैं उनको, और जो उसमें मॉडिफाई किया गया ह्यूमन नेचर की वजह से, जो ह्यूमन के माइंड की वजह से जो उसको मॉडिफाई किया गया है, तो उसको हमारा ये है कि उसको हम लोग खुद देखते हैं और आप लोग के लिए भी ऐसा एक ब्लॉग बनाते हैं कि आप भी उसे घर बैठे देख पाए, इंजॉय कर पाए। सो चलो दस भी दानिया बोलने का टाइम आ गया। दस भी दानिया वो होता है जो बाय बाय, एक्चुअली इंडिया में बाय बाय होता है, रशियन में दस भी दानिया होता है पका पका। So, paka paka bye bye.